हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीनियर क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे। यह पार्ट सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 51, फुल फॉर्म ऑफ NTES। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। हियर आंसर विल बी ऑप्शन ए, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। NTES का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 52, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन शैल बी नोटिफाइड इन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, WTT, वॉकिंग टाइम टेबल। कहते हैं परमानेंट जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन होता है, अस्थाई गति जो प्रतिबंध होता है, वह WTT में दिया गया रहता है। क्वेश्चन नंबर 53, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इज मेंशनड फॉर इच सेक्शन इन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, WTT, वॉकिंग टाइम टेबल। कहता है वॉकिंग टाइम टेबल में प्रत्येक खंड के लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए यातायात की दिशा का उल्लेख किया गया रहता है। क्वेश्चन नंबर 54, वॉक मेन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 कम इनटू फोर्स ऑन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1st day of July 1924। कहता है कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 कब से लागू है, तो 1 जुलाई 1924 से लागू है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रीमियम एंड टू एंड रेक्स आर परमिटेड फॉर मल्टीपल लोडिंग और अनलोडिंग इन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 12 डेज। कहता है एक से अधिक लोडिंग या अनलोडिंग के लिए प्रीमियम एंड टू एंड जो रेक की अनुमति होती है वह 12 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 56, एन एक्सीडेंट विल बी टर्म्ड एज सीरियस एक्सीडेंट वेयर लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी इज मोर देन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 करोड़। कहता है ऐसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना कहा जाएगा, सीरियस एक्सीडेंट कहा जाएगा, जिसमें रेलवे की संपत्ति का नुकसान 2 करोड़ से अधिक का हो। क्वेश्चन नंबर 57, MPS मीन्स। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड। MPS का जो पूरा नाम होता है वो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एज पर चार्टर टाइम लिमिट फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड थ्रो सिंगल विंडो सेल CPGRAM निवारण इज। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 60 डेज। कहता है चार्टर के अनुसार सिंगल विंडो सेल CPGRAM और निवारण के माध्यम से प्राप्त शिकायतों या प्रतिवेदनों के निवारण का जो समय होता है वो 60 दिन का समय सीमा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, हु विल बी द हेड ऑफ कोचिंग डिपार्टमेंट इन PCOMH ऑफिस। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, CPTM। कहता है PCOM के कार्यालय में कोचिंग विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो वो होते हैं CPTM होते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ CPTM, प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 60, वैगन टर्न राउंड इज काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेज। कहता है वैगन टर्न जो राउंड होता है या निवर्तन की गणना जो है दिनों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल टोकन। कहता है डिविजनल रेलवे जो मैनेजर होते हैं वो सिल्वर मेडल टोकन के लिए एलिजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, FTR स्टैंड्स फॉर। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, फुल टैरिफ रेट। FTR का जो फुल फॉर्म होता है वो फुल टैरिफ रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 63, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सिकंदराबाद। कहता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सिकंदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज द डिविजनल क्वेश्चन, ओके लीव दिस वन। क्वेश्चन नंबर 65, ODC स्टैंड्स फॉर।
Here four options has been given. Your answer will be option C, over dimensional consignment. ODC का जो फुल फॉर्म होता है वो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 60, BOBYN, वैगनीज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, हॉपर वैगन. BOBYN वैगन जो है वो हॉपर वैगन होते हैं. दिस वन ऑल्सो डिविजनल क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन ट्रेन नंबर ऑफ 16591 और 16592 UBL टू MYS, UBL एक्सप्रेस इज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, हम्पी एक्सप्रेस. देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ट्रेन यहाँ से वहाँ तक चलती है इसका नाम क्या है. ठीक है, जैसे आप जिस डिवीज़न में काम करते हैं तो उस डिवीज़न के भी ट्रेन के बारे में पूछा जा सकता है. जैसे हम चेन्नई डिवीज़न की बात करें तो पूछा जा सकता है कि चेन्नई डिवीज़न में जो है वो कन्याकुमारी कहाँ से कहाँ से, कन्याकुमारी सुपरफास्ट कहाँ से कहाँ चलती है, या ट्रेन नंबर 22641 ये कहाँ से कहाँ चलती है. ठीक है ना, या MS से MDU के बीच चलने वाली गाड़ी का नाम क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चन डिविजनल पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 68, हम सफर ट्रेन सर्विस आर हैविंग. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, फुली एयर कंडीशनड कोचेज. हम सफर जो ट्रेनें होती हैं उसका जो कोचेज है, वो सेवाएँ हैं, वो पूरा AC के, पूरी तरह वो AC कोच है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 69, ट्रेन नंबर 12629 और 12630 YPR और NJM YPR एक्सप्रेस रन सेज. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, बाई वीकली. देखिए यहाँ पूछा गया है कि ये गाड़ी सप्ताह में कितने दिन चलती है. इसका मतलब है कि अब जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं, जिस जोन में हैं, तो उस डिवीज़न में, उस जोन में जो भी गाड़ियां साप्ताहिक चलती हों, वीकली चलती हों, या सप्ताह में एक बार चलती हों, या डेली चलती हों, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन इज अ डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट. हियर फोर ऑप्शन हैज़ बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, SPGR. देखिए ये वहाँ का ये डिविजनल क्वेश्चन है, तो इसका या इससे यहाँ ये मतलब निकलता है कि आप जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं, जिस जोन में काम कर रहे हैं, तो उस डिवीज़न का इंटरचेंज पॉइंट कहाँ है. इंटरचेंज पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि वह डिवीज़न कहाँ ख़त्म हो जा रहा है. जैसे अगर हम चेन्नई डिवीज़न और तिरुचिरापल्ली डिवीज़न की बात करें, अगर साउथर्न रेलवे में, तो बिलूपुरम जो स्टेशन होता है वह चेन्नई डिवीज़न को और त्रिची डिवीज़न को मतलब बांटता है. मतलब बिलूपुरम तक जो है चेन्नई डिवीज़न आता है, वहाँ से जो है तिरुचिरापल्ली डिवीज़न शुरू हो जाता है. तो यह एक तरह से जो बिलूपुरम स्टेशन हो जाएगा वह डिविजनल इंटरचेंज पॉइंट हो जाएगा. उसी तरह से जोनल इंटरचेंज पॉइंट होता है. कहने का मतलब है कि उस स्टेशन पे आपका जोन ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से दूसरा जोन जो है चालू होता है. जैसे अगर साउथर्न रेलवे SR और SCR, साउथर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे की हम बात करें, तो गुडूर जो स्टेशन है, गुडूर स्टेशन तक जो है आपको साउथर्न रेलवे आता है, उसके बाद वहाँ से जो है SCR जोन जो है चालू हो जाता है. ठीक है, तो वो हम वहाँ पे जोनल इंटरचेंज पॉइंट कहलाएगा. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 71, संघमित्रा एक्सप्रेस रन्स बिटवीन. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, SBC to NDR. कहता है संघमित्रा एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है, तो संघमित्रा जो एक्सप्रेस है वो बेंगलुरु से लेकर दानापुर तक चलती है. क्वेश्चन नंबर 72, सेक्शन कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड ऑन. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, रनिंग टाइम ऑफ क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन. कहता है अनुभाग क्षमता, सेक्शन कैपेसिटी की जो गणना होती है वह क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन का रनिंग टाइम होता है. क्वेश्चन नंबर 73, Which of the post belongs to safety category? Here four options has been given. Your answer will be option C, assistant station master. कहता है कौन सा पद सुरक्षा श्रेणी से संबंधित है, तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो होते हैं, ASM जो होते हैं, यह सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े हुए स्टाफ होते हैं. क्वेश्चन नंबर 74, CC इन वैगन पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंड फॉर. हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, कैरिंग कैपेसिटी. CC जो है, अगर वैगन में CC को देखा जाए वैगन के दृष्टिकोण से, इसका मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो कितने तक कैरी कर सकता है, ढोके लेके जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 75, NMG वैगन्स आर यूज फॉर लोडिंग ऑफ.
हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी फोर व्हीलर। एनएमजी जो वैगन होता है उसमें फोर व्हीलर का लोडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, डीएफसी स्टैंड्स फॉर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। क्वेश्चन नंबर 77, सीआरएस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सीआरएस जो है वो नागर विमानन मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005। कहता है आरटीआई जो अधिनियम 2005 में आया था वो कब से लागू है, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। क्वेश्चन नंबर 79, ओडीसी इन रेलवे आर क्लासिफाइड इनटू, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी एबीसी। रेलवे में ओडीसी को जो है एबीसी कैटेगरी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 80, एसपीआईसी, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार। एसपीआईसी का मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार। क्वेश्चन नंबर 81, सीआरआईएस स्टैंड फॉर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिस का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 82, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी पेराम्बोर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बोर में है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द प्रोबेशन पीरियड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन रेलवेज, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ईयर्स। रेलवे में सीधी भर्ती कोटा के लिए परिवीक्षा अवधि जो है वो 2 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 84, ट्रायल रन ऑफ एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ ट्रेन शैल बी डन वंस इन, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 मंथ। कहता है दुर्घटना चिकित्सा राहत ट्रेनों का जो ट्रायल होता है वो 3 महीने में एक बार होता है। क्वेश्चन नंबर 85, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर्स एंड न्यू हेडक्वार्टर्स इज मोर देन 1000 किलोमीटर, द ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल इज, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 12 डेज। कहता है यदि पुराने मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक की है तो शामिल होने का जो समय होता है वो 12 दिनों का स्वीकार्य है। क्वेश्चन नंबर 86, हु इज़ द करेंट जनरल मैनेजर ऑफ SWR। देखिए वो SWR का वर्तमान जनरल मैनेजर कौन है वो पूछा गया था। इसका मतलब है कि आप जिस जोन में काम करते हैं उसके GM का, जिस डिवीज़न में उसके DRM का, ADRM का, AGM का, सीनियर DCM का, DOM का, सीनियर DCM का, रिलेशन ऑफिसर का, इन सबों का नाम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यर आंसर विल बी ऑप्शन बी श्री संजीव किशोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी श्री अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत का रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एब्रेविएशन NAIR स्टैंड्स फॉर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। NAIR का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज होता है। क्वेश्चन नंबर 89, मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासिज, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 20 ईयर्स। पोस्ट रिटायर्ड कम्प्लीमेंट्री पास के लिए आवश्यक न्यूनतम जो सेवा है वो 20 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इश्यू ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जेस शीट ऑन DAR प्रोसीडिंग्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए SF5। कहता है DAR कार्रवाई पर मेजर पेनल्टी के लिए जो चार्जशीट देने के लिए जो यूज होता है वो SF5 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इशू ऑफ माइनर पेनल्टी चार्जशीट, माइनर पेनल्टी, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी SF11। कहता है माइनर पेनल्टी के लिए जो चार्जशीट दिया जाता है वो SF11 है। क्वेश्चन नंबर 92, द वर्ड DO विच इज यूज बाई डेली करस्पॉन्डेंस मीन्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी डेमी ऑफिशियल। कहता है DO शब्द जिसका प्रयोग दैनिक समाचार पत्र द्वारा किया जाता है का अर्थ क्या है, डेमी ऑफिशियल।
क्वेश्चन नंबर 93, VVN मींस, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी मिल्क वैन. VVN का जो मतलब होता है वो मिल्क वैन होता है. क्वेश्चन नंबर 94, द नोट्स और करस्पोंडेंस पोर्शन ऑफ ए फाइल इज सेड टू हैव बिकम बल्की इफ इट एक्सीड्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 300 फाइल्स. कहता है किसी फाइल के नोट्स या पत्राचार का हिस्सा भारी कहा जाता है यदि उसमें 300 फाइल से अधिक हो जाता है. अगर उसमें 300 पन्ने से अधिक हो जाएगा तो वो बल्की कहा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 95, न्यू पेंशन स्कीम इज ए, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए कंट्रीब्यूटरी स्कीम. कहता है नई पेंशन जो योजना है वो अंशदायी योजना है. क्वेश्चन नंबर 96, मैक्सिमम पीरियड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस इन निवारण इज, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 डेज. निवारण में शिकायत के निपटारे की अधिकतम जो अवधि होती है वो 30 दिनों की होती है. क्वेश्चन नंबर 97, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी SF4. कहता निलंबन आदेश के निसरण के लिए कौन सा मानक पत्र जारी किया जाता है तो वह SF4 है. क्वेश्चन 98, सेकेंड क्लास कोच इन LHBs, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी LGS. द्वितीय श्रेणी कोच LHB में जो है वो LGS होता है. क्वेश्चन 99, बेंगलोर सिटी इज क्लासिफाइड एज विच क्लास फॉर द पर्पस ऑफ HRA, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी A1. कहता है बेंगलोर सिटी को जो है HRA के अनुसार किस कैटेगरी में बांटा गया है, तो A1 कैटेगरी में है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जिस डिवीजन में है, जिस जोन में है, तो उसके भी सिटीज वगैरह के बारे में ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 100, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट अप्लाइज टू, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवेज. कहता है कामगार मुआवजा अधिनियम कारखाना में काम करने वाले लोगों पे, खानों में काम करने वाले लोगों पे और रेलवे में काम करने वाले लोगों पे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ सब पे लागू होता है. इसलिए आंसर डी इन सबों पे. अब आइए कुछ राज्यभाषा क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्रवीण एग्जाम हेल्ड बाई हिंदी टीचिंग स्कीम विद इंडिविजुअल एफोर्ट्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2000 रुपीज़. कहता है हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी प्रवीण परीक्षा को व्यक्तिगत प्रयासों से उत्तीर्ण करने के लिए एक मुफ्त पुरस्कार की जो राशि होती है वो 2000 रुपये है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 in 3 months. कहता है संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की जो अधिकता क्या है तो वो होता है 3 महीने में 1 बार. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टू बी बाई जनरल पब्लिक. क्वेश्चन आई रिपीट, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर टू बी यूज इन द फॉर्म्स टू बी यूज बाई जनरल पब्लिक, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3. कहते हैं आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले रूपों फॉर्मों में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो 3 भाषाओं का. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ जनरल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी GM. क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष GM होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए होम मिनिस्ट्री. केंद्रीय हिंदी समिति गृह मंत्रालय के अधीन आती है. क्वेश्चन नंबर 6, इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी चंडीगढ़ कम्स अंडर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी रीजन बी. कहता है राजभाषा नीति के संदर्भ में चंडीगढ़ बी क्षेत्र में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी एग्जाम्स ऑफ रेगुलर कोर्सेस आर हेल्ड हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 2 टाइम्स. कहता नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 10. संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 14th September. हिंदी दिवस प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10, राइट द हिंदी वर्सन ऑफ इमेडिएट, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए तत्काल. इमेडिएट का हिंदी संस्करण क्या होता है, तो तत्काल होता है. ठीक है,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह हमारे सीसीटीसी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्केंड ऑन एलडीसी क्लासेस में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्केंड ऑन एलडीसी क्लासेस।